दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके WhatsApp ऐप पर मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसे करने से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैसेज हाई लिखकर सेंड कर दिया है, लेकिन इस नंबर पर ये मैसेज अभी नहीं सेंड हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी अगर मैसेज करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इतने सारे मैसेज इस नंबर पर कर दिए हैं, लेकिन इस नंबर पर मैसेज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ऐसे में आपको पता नहीं है आपके WhatsApp में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको जब WhatsApp पर कोई मैसेज करेगा तो ऐसे में आपको पता भी नहीं लगेगा और ना ही आपके WhatsApp पर वो मैसेज रिसीव होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी यहाँ पर हमें WhatsApp पर जितने भी हमने मैसेज इस फोन से भेजे हैं हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने फोन के होम पेज में आने के बाद अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको एक फीचर ढूंढना है जिस फीचर का नाम है एप्स। एप्स पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ फीचर आ जाएंगे जैसे कि सिस्टम ऐप सेटिंग और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट और यहाँ पर है अनस्टॉलेड सिस्टम एप्स या फिर है ड्यूल एप्स और यहाँ पर है परमिशन। सबसे नीचे है यहाँ पर एप लॉक। आपको यहाँ पर एक फीचर और दिखाई देगा जिसका नाम है मैनेज एप्स। आपको मैनेज एप्स पर टच करने के बाद यहाँ पर वो सभी एप्लीकेशन दिखाई देंगे जो आपने अपने फोन में इंस्टॉल किए हैं और जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आपको यहाँ पर अब व्हाट्सएप सर्च करना है क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशन है, ढूंढने में समय लग सकता है। सर्च करके आसानी से व्हाट्सएप हमें दिखाई देने लगा है। अब हम यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टोरेज पर टच करना है और स्टोरेज पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक फीचर दिखाई देगा क्लियर डाटा। आपको यहाँ पर टच करने के बाद केवल क्लियर कैच पर टच करना है, आपको क्लियर ऑल डाटा पर टच नहीं करना है। अगर आप क्लियर ऑल डाटा पर टच करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप आईडी लॉग आउट हो जाएगी, आपको फिर से व्हाट्सएप ऐप में लॉग इन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लियर कैच पर टच कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा, आपको फिर से यहाँ पर ओके पर टच करना है, इस सेटिंग से बाहर आ जाना है और यहाँ पर ये जो सेटिंग है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अब दूसरी सेटिंग करनी है। दूसरी सेटिंग में आपको यहाँ पर ऐप परमिशन पर टच करना है और यहाँ पर आपको देख लेना है आपने व्हाट्सएप को जरूरी परमिशन दे रखी है या नहीं। जो यहाँ पर डिनाइड में परमिशन है ये परमिशन हमने अलाउ नहीं की है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट परमिशन है वो आप यहाँ पर इसमें अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि कॉल और कैमरे की परमिशन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कैमरे की परमिशन भी हमने यहाँ पर अलाउ कर दी है, माइक्रोफोन की परमिशन भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर जो कॉल और SMS की परमिशन है ये दोनों परमिशन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये सभी परमिशन आप व्हाट्सएप को अलाउ कर दीजिए। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इस सेटिंग को आपको जरूर करना है। इस सेटिंग का नाम है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज। आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज में एक पॉपअप आ चुका है और यहाँ पर आप वाईफाई देख सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने डाटा लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर इसके सामने हमारे सामने गोल गोल टिक आ रहा है, आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। ध्यान रहे अगर आपके फोन में डिसेबल मोबाइल डाटा या फिर डिसेबल वाईफाई डाटा आता है तो आपको यहाँ पर उसे ऑफ रखना है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन नहीं है तो हमें यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। अब हम यहाँ पर ओके पर टच करते हैं तो हमारी जो सेटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब हमारे जो व्हाट्सएप के मैसेज है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये सेटिंग करने से भी अगर आपको मैसेज प्राप्त नहीं होते हैं तो आप ये समझिएगा आपका जो इंटरनेट है वो भी खत्म हो सकता है। हो सकता है आपका जो इंटरनेट का प्लान है वो खत्म हो गया हो, तो वो भी आप जरूर चेक कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितने भी मैसेज किए थे वो सभी मैसेज हमें यहाँ पर अब प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कोई और मैसेज करने का प्रयास करता हूँ, मैं यहाँ पर हाय लिखकर दोबारा सेंड करता हूँ तो यहाँ पर हमें सभी मैसेज रिसीव हो रहे हैं। मैं यहाँ पर दिलसाद लिख के एक बार सेंड कर देता हूँ तो हमने यहाँ पर दिलसाद लिख के सेंड कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज हमें तुरंत प्राप्त हो चुका है। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने व्हाट्सएप मैसेज की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।